जल संसाधन, क्या नाम है पटका, जल संसाधन, यानी जो जल है उसे संसाधन माना गया है। उस जल संसाधन के बारे में हम इस पाठ के अंदर अध्ययन करेंगे। पाठ में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप अपने वीडियो अगर आप अपने और फ्रेंड्स के पास नहीं शेयर करते हो तो प्लीज उसे अपने अन्य फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। सबसे पहले हम इस पार्ट के अंदर जो जल संसाधन है जल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखना कि हमारी जो पृथ्वी है ऐसे नहीं कुल भाग ही को कुल भूभाग के कुल सॉरी संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। संपूर्ण पृथ्वी
हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं कि प्राचीन भारत में यानी प्राचीन समय में भारत में जलीय कृतियां यानी जल जल से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें थी या किन किन व्यक्तियों ने इसका वर्णन किया। तो याद रखना इलाहाबाद के निकट और इलाहाबाद है हमारा यूपी में, इलाहाबाद के निकट गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है हमारे इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में के पानी को सुरक्षित रखने हेतु बांध बनाया गया प्राचीन काल की बात है। ये गंगा नदी के निकट ये जो बाढ़ का पानी है या बाढ़ के पानी को सुरक्षित करने के लिए ये बांध बनाया गया था। इलाहाबाद यूपी के निकट गंगा नदी के पानी को सुरक्षित रखने हेतु बांध बनाया गया और बाढ़ के समय जो पानी आता था वो बहकर के दूर चला जाए, जितना अपने उस बांध में है उतना ही रहे। उसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य कालीन शासक था, मौर्य वंश की स्थापना इसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में नहर व झील बनी, नहरों व झीलों का निर्माण हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी प्राचीन काल में भारत में नहरों और झीलों का निर्माण हुआ। इल्तुतमिश ने भी अपने सल्तनत काल का है, इल्तुतमिश ने भी नहरों का निर्माण करवाया था, वो खास करवाया था सिर्फ दो। इल्तुतमिश ने भी जल के लिए खोज खास बनवाया। तो हमने देखा कि प्राचीन काल में प्राचीन भारत में भी अपना जो बरसात का पानी है इनको इकट्ठा करने के लिए कुछ प्रमुख बांध है जो बनाए गए थे। अब हम आगे देखते हैं जो जल संसाधन है उसके अंदर कि जल की दुर्लभता क्या है, यानी जल दुर्लभता किसको कहेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे, अन्यथा यदि आपने बीच में छोड़ दिया तो पढ़ाना पड़ा वो सब बराबर हो जाएगा। और साथ में अपने नोटबुक के अंदर आपको नोट करते रहना है ताकि बाद में आप इस चीज को अच्छे से देख सको और अपने टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो सके। अब हम पढ़ेंगे जल दुर्लभता। यानी जल की दुर्लभता क्या है, जल की कमी के बारे में है यहाँ पर ये मेन पॉइंट हमारे इसमें है। देखो इसका जो मेन कारण है वो है अत्यधिक दोहन। क्या है फ्रेंड्स, अत्यधिक दोहन। ये जो कल कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं, बजरी जो जमीन से निकाली जा रही है उस दोहन के कारण है जल की है जो अपने वाट के अंदर कमी होती जा रही है। और अत्यधिक दोहन है, जल का अत्यधिक इस्तेमाल है, जल का अत्यधिक इस्तेमाल जो अपना उद्योग धंधे और अन्य कार्यों में जो जल का अधिक इस्तेमाल किया जाता है उसके कारण भी अपने जल की दुर्लभता की समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। उसके बाद देखते हैं मैं आपको बता दूं थोड़ा कि हमारे जीवन में जल इतना इम्पोर्टेंट है कि हम पानी के बिना है वो एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो हमें जो वर्षा का जल है जल की दुर्लभता दूर करने के लिए जो वर्षा का पानी है वर्षा के पानी को जल संरक्षण विधियां अपनाकर इकट्ठा करना होगा तो ही हम जल दुर्लभता की समस्या से निजात पा सकते हैं। हम देखते हैं हमारे आसपास जो बहुत अधिक गहराई में भी पानी नहीं मिल पा रहा है तो इन सब समस्याओं से दूर करने का एक उपाय है कि बरसात का मौसम है और उसमें जल संरक्षण के उपयुक्त तरीके अपना करके हम जल को है जो इकट्ठा कर सकते हैं। और इस दुर्लभता को जो दूर करने का अन्य कारण वो है कि आसपास पेड़ों की कटाई न होने दें,
जाएगी। और देखो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से जो बन रही है उसके अंदर जो मेटेरियल लगता है उसके कारण भी जो जल है उसका अत्यधिक दोहन होता है, क्योंकि उसके लिए बिजली चाहिए, उसके फिर उसमें लगाने के लिए फर्नीचर चाहिए। तो इन सब चीज़ों से जो हमारा ये जल की दुर्लभता की जो समस्या है वो धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है। अब देखते हैं कि कुछ स्थानों पर जल प्रदूषित भी हो गया है, कुछ स्थानों पर जल प्रदूषण की समस्या भी दिख रही है, समस्या भी है कुछ स्थानों पर हमें जल प्रदूषण की समस्या भी। वैसे तो लगभग हर जगह पर जल प्रदूषण की समस्या है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जल प्रदूषण की समस्या है वो विकट रूप लेती जा रही है। तो जो इस समस्या को दूर करने के लिए जो रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करें, कम से कम है उपयोग, इसके कारण हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। और जो कल कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो पानी है उसको सीधे ही जल स्रोतों में नहीं ले जा करके और उस जल को शुद्ध करके वहां ले जाया जाए। तो अगला पॉइंट, कल कारखानों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित जल सीधा जल स्रोतों में न ले जाया जाए। यदि हम ऐसा करेंगे तो ही हम जल प्रदूषण की समस्या से है जो निजात पा सकते हैं। अभी मैंने आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से जो जल संसाधन है उनके बारे में बताया, जल दुर्लभता के बारे में बताया और जल प्रदूषण की समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में बताया। अगले क्लास में मैं आपको इस पाठ में जो बाकी बचा हुआ मैटर वो बता दूंगी। मैं प्लीज आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।